छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने 31 मई को देश के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के मद्देनज़र जिला प्रशासन शिमला से ये आग्रह किया है कि 31 मई को, क्योंकि पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री शिमला में आए थे तो ये अनुभव है कि उस दौरान जो है काफ़ी जाम लगता है और काफ़ी दिक्कत में जनता रहती है। तो हमारी ये मांग है कि पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से शिमला शहर के अंदर कई कई घंटों का जाम लग रहा है, जनता काफ़ी प्रभावित है, जनता काफ़ी परेशानी में है। सबसे ज़्यादा परेशानी में बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके अभिभावक हैं जो उनको लेने जाते हैं स्कूल से, छुट्टी के दौरान या उनको छोड़ने जाते हैं स्कूल में। तो हमारी मांग ये है जिला प्रशासन से और जिला उपायुक्त शिमला से कि 31 मई को प्रधानमंत्री की रैली के दौरान एक दिन का सार्वजनिक अवकाश जो है शिमला शहर के अंदर घोषित किया जाए, ताकि जनता को कोई भी असुविधा ना हो और ख़ास तौर पर जो अभिभावक हैं, छात्र हैं, उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम छात्र अभिभावक मंच की ओर से ये विनम्र आग्रह करना चाहते हैं जिला प्रशासन शिमला से कि 31 मई को प्रधानमंत्री की रैली के दौरान, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो शिमला में होंगे और काफ़ी गाड़ियों का भी आना यहाँ पर रहेगा, तो उस दौरान जो है काफ़ी परेशानी में अभिभावक और छात्र रह सकते हैं। इसलिए अगर जो सार्वजनिक अवकाश डिक्लेयर कर दिया जाए और स्कूल बंद कर दिए जाए, जैसा कि उदाहरण में देखने में भी आया है कि 5 बड़े निजी स्कूल जो हैं शिमला के अंदर, उन्होंने पहले ही उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। तो इसलिए सरकारी और निजी स्कूल जितने भी बाकी शिमला के अंदर हैं उन सब में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि जनता को, छात्रों को और अभिभावकों को किसी परेशानी का सामना